हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने जाना था कि अगर आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम हो रहा है तो कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की थी, अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट से देख लीजिए। उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, इसके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, महत्वपूर्ण धाराएं देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी, आपको उनको प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको इस बेयर एक्ट के मदद से बताऊंगा आपको क्या करना है। बेयर एक्ट आपको परचेस कर लेनी है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। हर एक लॉ स्टूडेंट के पास बेयर एक्ट होनी ही चाहिए, कंपलसरी होती है। अगर नहीं है, आप नहीं परचेस करना चाहते हैं एक दो दिनों के लिए, तो कोई इशू नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए, मैं अपलोड कर दूंगा उसका पीडीएफ, जो भी होगा इसका पूरा पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग पीडीएफ ओपन कर लीजिए। ओके, पीडीएफ ओपन करना ज़रूरी है। आप ये आप नहीं कर सकते, आपके पास कोई दूसरा फ़ोन हो उसमें आप पीडीएफ ओपन कर लीजिए, देखते रहिए आप। बस नंबर लिखते रहिए जो मैं बता रहा हूँ, या जो मैं नंबर बताऊँगा धाराएं के, वो आप लिखते देखते रहिए, फिर बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा पीडीएफ ओपन करके, बट पीडीएफ ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो अब हम आ रहे हैं अपने, सबसे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर्स। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, चैप्टर्स आपको आठों के आठ तो नहीं, पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी होता है, सब आप जानते हैं। चैप्टर टू बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, चैप्टर थ्री ऑफ सेल्स ऑफ इमोबल, आठों के आठ चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। ओके, पहले मैंने कहा था एक दो पढ़ लेते, आठ ही चैप्टर आराम से याद कर सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर तब भी इशू लग रहा हो तो आप एक एक छोड़ कर भी याद कर सकते हैं, एक एक आप छोड़ सकते हैं। आप सेकंड याद करें, थर्ड छोड़ दें, फोर्थ याद करें, फिफ्थ याद करें, सिक्स्थ छोड़ दें, सेवन्थ याद करें, एट याद करें। एट वाला छोड़ दीजिए, बाकी एट वाला इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वन। चैप्टर वन हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो मैं ओपन कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, बट बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा। ये देखिए, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। ओके, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा। तो देखिए, पहला जो आपका होता है हमेशा शॉर्ट टाइटल होता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इट्स शैल बी कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882। एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें ये आपके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं कि कब आया था, इनफोर्स कब हुआ था, कब प्रेसिडेंट के एसेंट हुए थे, कब ये केम इनटू फोर्स हुआ था, किसने इसको प्रेजेंट किया था, कौन इसके हेड थे। एंड एक क्वेश्चन और आपका आ सकता है इसमें कि ये जम्मू एंड कश्मीर पे कब एप्लीकेबल हुआ था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पहला दूसरा सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा इंपॉर्टेंट नहीं। तीसरे में जैसा मैंने बताया था, इंटरप्रिटेशन क्लॉज आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, इंटरप्रिटेशन क्लॉज किस धारा में मेंशन की गई है, तो वो थ्री में, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, आप थ्री वाले को मार्क कर लीजिए। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किस में दी गई है, चैप्टर थ्री में, सॉरी सेक्शन थ्री में। इसमें आपसे इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड का मतलब पूछा जा सकता है, अटेस्टेड जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुप्रमाणित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अटैचेस्ट टू द अर्थ भूबद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे लिखा है पर्सन सेड टू हैव नोटिस, सिर्फ ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि नोटिस किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, नोटिस किस धारा में डिफाइन किया गया, तो आप बता सकते हैं धारा तीन, चैप्टर सेक्शन तीन में आप डिफाइन किया गया। ओके, अब इसके बाद धारा चार है वो इम्पॉर्टेंट नहीं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, धारा चार को, सेक्शन फोर को छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारी है धारा पाँच, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। धारा पाँच हमारी है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन, संपत्ति के अंतरण की परिभाषा, ये आपकी आएगी, याद कर लीजिए इसको, इसको याद कर लीजिए, आपकी आएगी। आप इसका एक नंबर, अभी एक डेढ़ नंबर जो भी होता है आप इसको अभी रख लीजिए, धारा पाँच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इसके अंदर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, बट धाराओं पहले सेक्शन याद कर लीजिए, फिर थ्योरी याद करिएगा। इसके बाद है सेक्शन सिक्स, धारा छः, व्हाट में भी ट्रांसफ़र, क्या अंतरित किया जा सकता है, यानी क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसमें ये लिखा हुआ है। बट ये सेक्शन बहुत दिमाग घुमाने वाला है, इसमें आपसे कह कुछ रहा, आप जब पढ़ेंगे तो कहेंगे ये तो बता रहा क्या नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इस सेक्शन को बस आप याद रख लीजिए, बहुत है। इसके बाद है हमारा धारा सात, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, कौन सा पर्सन कॉम्पिटेंट होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, तो आप इसमें याद रख लीजिए कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। देखिए, अब इसको याद करने के लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, कैसे याद करेंगे। देखिए, पाँच बताता है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी क्या है, ठीक,
छः आपका बताता है कि क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, सात आपका बताता है कि कॉम्पिटेंट ट्रांसफ़र कौन सा पर्सन होता है, एंड एट जो आपका ट्रांसफ़र का ऑपरेशन क्या होता है, ऐसे आप याद करिए फ्लो फ्लो में। फिर नाइन कहेगा भाई ओरल ट्रांसफ़र बता दो, फिर दस कहेगा कंडीशन क्या है रिस्ट्रिक्शन की, तो ऐसे मैं आपको याद भी करा दूंगा, कोई इशू होने वाला नहीं, सब बढ़िया करा दूंगा। देखिए सेवन्थ मैंने आपको बताया था करना है, एट भी करना है, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र हिंदी में इसको कहते हैं, एट को अंतरण का प्रभाव। इसके बाद है नाइन ओरल ट्रांसफ़र, मौखिक अंतरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एमसीक्यू एक आपके सामने आएगा। टेन वाला है कंडीशनल रिस्ट्रेनिंग अलाइंसेस, अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, ओके ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद चलते हैं अपना पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर हम ओपन करते हैं। इसके बाद है 11 रिस्ट्रिक्शन वाला है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। इसके बाद 12 है कंडीशनल मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिंसी। देखिए 12th वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं 12th वाले को, ओके। 13 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अनबॉर्न पर्सन की बात कर रहा है, आप इसमें 13 वाले बस इतना याद रखिएगा कि अनबॉर्न पर्सन की बात कर रहा है, ओके। एंड हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूल अगेन परपेचुटी, 14 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 14 वाला भी करना है। इसके बाद 15 है ट्रांसफर टू ए क्लास सम ऑफ होम केम अंडर सेक्शन 13 14, आप इसको लीव कर सकते हैं 15 को, 16 को भी आप लीव कर सकते हैं, 17 को भी आप छोड़ सकते हैं, 18 को आप छोड़ सकते हैं, 19 इंपॉर्टेंट है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट है आपको करना है 19 वाला निहित हित, ओके। इसके बाद 20 वाला व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र फॉर हिज बर्थ। देखिए 20 वाला आप ज़रूर पढ़िएगा इसलिए, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मोस्टली जो आपका आता है 13 वाला आता है। धारा 13 और धारा 20 को साथ में पढ़िएगा आप लोग, धारा 13 धारा 20 को साथ में पढ़िएगा, ओके। इसके बाद 21 वाला कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट पढ़ना है आपको, ओके इंपॉर्टेंट है। 22, 23, 24 में लीव कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट, मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। 23, 24 मैं छोड़ रहा हूँ, 22 25 आपको पढ़ना है, 26 पढ़ना, 25 बताता है कंडीशनल ट्रांसफ़र एंड 26 बताता है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ओके। इसके बाद 27 वाला आप पढ़ लीजिएगा, फिर 28 है आपका, 29 है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34, ये मैं 28 से लगा के 34 तक मैं छोड़ रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ भाई, नहीं करना है एग्ज़ाम में। आपके 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है जिसमें आपको 25 वैसे छोड़े जाते हैं, आपको 75 मार्क्स की दी जाती है, नहीं करना है भाई, ये मत रहने दीजिए आप लोग। अगर आप याद कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए दोस्तों, 136 जितने उतने करिए, बट मैं ये बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। 35 फिर आपको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन के बारे में आपसे पूछता है, ओके, तो ये आपको कर लेना है। 36, 37 में एक इसमें से आ सकता है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अप्रोप्रिएट से रिलेटेड, सॉरी, ओके, तो करना चाहे तो आप कर लें, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं 38, 39, 40 मैं तीनों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं 41 को बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ ऑस्टेनेबल ओनर, ओके। इसके बाद 42, 44 वाला ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, सॉरी सेक्शन है। 45 जॉइंट ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। 46 क्या कह रहा है, ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन बाई पर्सन हैविंग, नहीं 46 वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 47 ट्रांसफ़र बाई को ओनर्स ऑफ शेयर्स इन कॉमन प्रॉपर्टी, ये जी हाँ ये पढ़िएगा आप लोग। 48 प्रायोरिटी ऑफ राइट क्रिएटेड बाई ट्रांसफ़र, 48 पढ़िएगा, 49 रहने दीजिए, 50 भी रहने दीजिए, 51 भी छोड़ दीजिए, 52, 53 और 53 ए तीनों पढ़ने हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग 52 पढ़ना है, 53 भी पढ़ना है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र 53 और 53 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो बिल्कुल छोड़ना मत, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 के कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 हमारा क्या बात कर रहा है, सेल्स का। देखिए पहला चैप्टर आपका क्या बात करता है, प्रिलिमिनरी की। दूसरा चैप्टर क्या बात करता है, बाई एक्ट ऑफ पार्टीज की पार्टीज की। तीसरा चैप्टर आपका बात करता है सेल्स की, एंड चौथा चैप्टर आपका मेरे ख्याल से मॉर्गेज की बात करता है। पांचवा आपका मेरे ख्याल से लीज की याद करता है। सिक्स आपका मेरे ख्याल से गिफ्ट या एक्सचेंज की मेरे ख्याल से बात करता है। सेवन्थ आपका गिफ्ट एंड एट आपका एक्सनेबल क्लेम, आप लोग चेक करिएगा। मुझे ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इतने अच्छे से याद हो चुका है, मैं बता नहीं सकता, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, अभी भी मुझे काफ़ी सारे इसके धाराएँ याद हैं। तो चैप्टर 3 हम लोग ओपन करते हैं, ओके, डायरेक्ट आप लोग पेज नंबर पे जाइए, पेज नंबर 19 में मेरे में शो हो रहा है, आप लोग देखिए ओपन करके। सेल्स के ऊपर हम लोग चलते हैं, चैप्टर नंबर 19, जस्ट गिव मी वन मिनट,
ओके तो मैंने ओपन कर लिया। इसमें पूछा जा रहा सेल डिफाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए 54 वाला। आपको विक्रय की परिभाषा क्या है, ओके ये आपको करना है। अगर आपसे पूछ ले सेल्स हाउ मेड, विक्रय कैसे किया जाता है, ये भी आपका सेक्शन 54 में डिफाइन किया गया, ओके तो आपको ये भी याद रख लेना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें उस पर खैर उस पर ध्यान नहीं देना। 55 राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर, बिल्कुल कर लेना है राइट एंड लाइबिलिटीज़। बायर एंड सेलर की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं ये आपको याद रखना है, ओके okay? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से बताइए कि बायर की क्या राइट्स हैं एंड लाइबिलिटीज़ हैं, सेलर की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, बहुत लंबा सेक्शन है आपका 55, ओके तो आप पूरा सेक्शन मत पढ़िए। 56 मार्सलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेस, 57 क्या है प्रोविजन बाय कोर्ट फॉर इनकम एंड सेल फ्रीड थ्रेटम, 58 तो हमारा, देखिए इसमें आप 56 वाला बस करना चाहे तो कर लें, 57 वाला आप लोग छोड़ दें, 56 आप करना चाहे कर लें, 57 वाला छोड़ दें। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं चैप्टर अपने 4 पे, जो बात करता है मॉर्गेज की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट सोचने वाली ये बात है, जब मैंने लास्ट टाइम इसका एग्ज़ाम जब हुआ था MCQ में, तो मैंने ही दिया था, उसमें मॉर्गेज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता, मैंने उम्मीद की थी बहुत ज़्यादा इसके आएंगे। एंड मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने मॉर्गेज का ज़्यादा याद भी नहीं किया था, उससे क्वेश्चन कम आए थे। बट ऐसा नहीं है कि हमने नहीं याद किया तो आप भी नहीं याद करेंगे, आपको याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉर्गेज। देखिए आपका जो सेक्शन 58 है धारा 58, ये बताता है मॉर्गेज कौन है, मॉर्गेज के बारे में आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है मॉर्गेजर किस में डिफ़ाइन किया गया है, बंधकर्ता किस में डिफ़ाइन किया है, बंधदार किस में डिफ़ाइन किया गया है, बंधकथन और बंधन बंधक विलेख की परिभाषा किस में दी गई, मॉर्गेजी मनी एंड मॉर्गेजी डीड ये किस धारा में डिफ़ाइन की गई, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कभी आपसे पूछेगा मॉर्गेज किस में डिफ़ाइन किया, मॉर्गेजर किस में डिफाइन, तो ये सारे आपके 58 में डिफ़ाइन किया गया। इसके बाद आपका इसमें एक आएगा कि टाइप्स ऑफ मॉर्गेज कितने होते हैं, सिंपल मॉर्गेज ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये याद कर लेना, सिंपल मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होता है, ओके तो ये आपको याद रखना है कितने टाइप्स के मॉर्गेज होते हैं, ये आपको याद करने, 5 से 6 टाइप से कुछ कुल होते हैं, तो आपको सबके सब याद कर लेने हैं, ओके। इसके बाद 59 है हमारा मॉर्गेज व्हेन टू बी बाय एश्योरेंस, ओके मैं देखिए मैं इंडेक्स पे जाता हूँ डायरेक्ट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके तो हम लोग 59 पे थे। आपको 59 वाला सेक्शन आपको कर लेना है, 59 बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए, ओके 59A रेफरेंस टू मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी टू इंक्लूड पर्सन ड्राइविंग टाइटल फ्रॉम, इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका 60 वाला इम्पॉर्टेंट है, राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, इसके बाद रिडम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेजर प्रॉपर्टी नहीं, 60A ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर थर्ड पार्टी नहीं, 60A इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहे पढ़ लें, 60B इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, 60B आप कर सकते हैं, 60 खा, 61 क्या कह रहा है राइट टू रिडीम सेपरेटली, और नहीं नहीं 61 वाला भी मत करिए, 62 क्या कह रहा है राइट, 62 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 वाला आप लोग ज़रूर करिएगा, 62 62 वाला जो आपकी 62 धारा कह रही है ये आपको ज़रूर करना है। फिर 63 है आपका, 63 ये भी आपको करना है, 63A भी आपको करना है, ओके इसके बाद है 64 ये भी आपको करना है, रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज मॉर्गेजी लीज ये भी आपको करना है, ओके इसके बाद है आपका 67 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट्स टू फोर क्लोजर और सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना है, ओके 68 आपको करना है, राइट टू स्यू फॉर मॉर्गेजी प्रॉपर्टी, 69 भी आपको करना है, पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड, 69A भी करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, एंड इसके बाद 70 वाला हमारा दिया है सेशन टू, नहीं 70 नहीं करिए आप, 71 72 भी छोड़ दीजिए, 73 भी छोड़ दीजिए, आप ये 74 वाला करिए, 74 करिए, लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्गेजी इन पोजिशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना 77 वाला आप छोड़ दीजिए मत करिए, 78 भी नहीं करना है, 79 भी नहीं करना है, 80 भी नहीं करना है, 81 आप लोग कर लीजिए, 81 जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिभूतियों का क्रमबंधन मार्सलिंग सिक्योरिटीज़ इंपॉर्टेंट है,
83 वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे 82 वाला सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं लगा, 83 वाला इंपॉर्टेंट है। पावर टू डिपॉजिट इन कोर्ट मनी ड्यू ऑन मॉर्टगेजी, राइट टू मनी डिपॉजिट बाय मॉर्टगेजर, ये आपका 83 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। इसके बाद आपको सीधा 91 वाला करना है, पर्सन हु मे बी स्यू फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। 92 वाला सबरोगेशन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। 93 आपका इंपॉर्टेंट है, 94 भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये 4-5 सेक्शन इसमें आपको कर लेने हैं। फिर 98 वाला आपको करना है, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज टू एनोमिलस मॉर्टगेज। ओके, ये 98 वाला आपको करना है। फिर 100 वाला है चार्जेस, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चार्जेस आपके किस में डिफाइन है, डायरेक्ट ये पूछा जाएगा आपको, मैं इस बार फिर बता दूं, आपको ये कर लेना है 100 वाला। ओके, इसके बाद है आपका सर्विस और नहीं ये नहीं किया जाएगा, 102 103 नहीं किया जाएगा। 104 आपका इंपॉर्टेंट है, पावर टू मेक रूल्स। तो देखिए मॉर्टगेज में इतने ही सेक्शन आप पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए पढ़ने को तो देखिए 136 137 जितने भी धाराएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर एग्ज़ाम में आप सबके सब याद नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट होता है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट आप सडनली तैयारी करें तो नहीं कर सकते। तो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया बस उतना पढ़िए, उसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हैं आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़िए, मैं नहीं कर रहा हूँ मत पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़िए। इसके बाद है दोस्तों चैप्टर 5 आपका, जिसमें बात करता है लीज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, लीज़ की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एक्ट को अभी पढ़ लेते हैं, अच्छा तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इन फ्यूचर कभी जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एक दो स्टेट हैं वहाँ, उनको छोड़ें तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नहीं ऐड किया गया जुडिशरी में, मुझे नहीं पता क्यों नहीं ऐड किया गया, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ऐड किया जाना चाहिए, बट नहीं है, तो खैर क्या कर सकते हैं। 105 आपको ज़रूर पढ़ना है, लीज़ के बारे में बताता है, लेजर कौन है, लेसी कौन है, प्रीमियम एंड रेंट डिफाइंड, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है, आपको पढ़ना है। इसके बाद है 106 ड्यूरेशन ऑफ सर्टन लीज, देखिए 106 मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। 107 लीज हाउ मेड, लीज कैसे बनाई जाती है, पट्टे कैसे लिए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं सॉरी। 107 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है। 108 भी इंपॉर्टेंट है, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेजी बताता है, ठीक, इसको पढ़ लेना है। 108 को जब आप खोलेंगे तो उसमें ए सब क्लॉज वाला भी आपका होगा, रुकिए मैं खोल के बता रहा हूँ। 44 ओपन करके बता रहा हूँ, इसमें अंदर के भी हो सकता है सब क्लॉज हों आपके, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 108 देखिए, इसमें 108 ए बताता है राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर। ओके, इसमें याद रखिएगा 108 ए बताता है कि राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसर एंड 108 बी बताता है राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेजी। ओके, तो एंड आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेजर किसे कहते हैं, लेजी किसे कहते हैं, मॉर्टगेजर किसे कहते हैं, मॉर्टगेजी किसे कहते हैं, ट्रांसफर किसे कहते हैं, ट्रांसफरी किसे किसे कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये भी आपको प्रिपेयर कर लेना कि ये किसको कहते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया 108 तक। इसके बाद देखते हैं हमारा 109 राइट ऑफ लेसर ट्रांसफरी, ये 109 भी आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 111 कर लीजिए, 112 कर लीजिए। ओके, इसके बाद 113 कर लीजिए एंड इसके बाद मुझे और कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, तो आप करना चाहे तो कर लें, बस मेरे लिए इतना ही इसमें तो इतना ही है। ओके, फिर चैप्टर 6 है हमारा एक्सचेंज, 118 जो कि एक्सचेंज को डिफाइन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है आपकी। 118 आपको याद कर लेनी है, विनिमय की परिभाषा। ओके, तो इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद है 120 आपको याद कर लेना, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। 121 आपको याद कर लेना, एक्सचेंज ऑफ मनी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए जो मैंने 119 आपको छुड़वाया, राइट ऑफ पार्टी डिप्राइड ऑफ थिंग रिसीव्ड इन एक्सचेंज, मान लीजिए एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ये क्या होता, अब आप कहेंगे मैंने तो बताया ही नहीं था, तो आप क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको बस एक छोटी सी चीज़ सोचनी है, क्या सोचनी है, देखिए एक्सचेंज के सिर्फ 4 सेक्शन हैं, 118 119 120 121, आपने उसमें से 3 तो याद ही कर लिए हैं। अब आप इतना तो जानते हैं कि 3 तो है नहीं, एक ही बचा हुआ ही होगा, बस कॉमन सेंस। अभी अच्छा एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एमसीक्यू जो आपके आते हो चैप्टर में, ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि 118 से 121 सेक्शन किस चैप्टर में डिफाइन है। आपके सामने ऑप्शन है एक्सचेंज, गिफ्ट, मॉर्गेज, सेल, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप कॉपी लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि एक्सचेंज में सेक्शन 118 से स्टार्ट होते हैं, 121 पे ख़त्म होते हैं, गिफ्ट में 122 पे स्टार्ट होते हैं, 129 पे ख़त्म होते हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में अगर आपके पेपर अच्छा होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, तो आप लोग आके इस वीडियो पे ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। ओके, अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, गिफ्ट के बारे में पूछ रहा है।
तो देखिए 122 गिफ्ट ये आपका आएगा, मैं बताइए साइन करके दे दूँ, ये आपका आएगा गिफ्ट, गिफ्ट वाला सेक्शन आपका आएगा। ट्रांसफ़र हाउ इफेक्टेड 123, 124, 125, 126, देखिए 123, 124, 125 ये आप छोड़ दीजिए, 126 आप करिए, व्हेन गिफ्ट में भी सस्पेंडेड और रिवॉक्ड, 126 इंपॉर्टेंट है, 12 सबसे पहले आपको गिफ्ट में करना है, 122 यानी 122 आपको करना है, गिफ्ट डिफाइन किया गया है, एंड इसके बाद आपको करना है 127 ऑनरियस गिफ्ट एंड 126 करना है, व्हेन गिफ्ट में भी सस्पेंडेड और रिवॉक्ड, ओके 126। इसके बाद 128 आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 127 और 128 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूनिवर्सल डोनर भी डोनी भी पूछा जा सकता है आपसे और ऑनरियस गिफ्ट भी पूछा जा सकता है, एंड ये भी पूछा जा सकता है कि ये दोनों होते कौन है, गिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या गिफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती, क्योंकि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डिफिनेशन पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, बट जब हम गिफ्ट की बात करते हैं तो वहां बताता है कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी को भी हम गिफ्ट दे सकते हैं, भाई मूवेबल चीज़ को भी हम गिफ्ट दे सकते हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के आएंगे तो कन्फ्यूजन वाले आएंगे। 129 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 129 वाला एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा रहा है मोडस कॉजा एंड मोहम्मदन लॉ, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये मोडस कॉजा क्या होता है आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा जरूर होगा अभी तक, मोडस कॉजा क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है जिसमें से कुछ धाराएं आपकी आ जाती हैं, तो धारा है चैप्टर 8, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एक्शनेबल क्लेम, ये तो आपसे पूछा जा सकता है, चैप्टर का नाम बताइए। इसमें जो 130 धारा है ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम किसमें बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 130 ए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिसी ऑफ मरीन इंश्योरेंस, ओके। देखिए अभी कुछ धाराएं और बची वो भी बताऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए समय निकाल के देखिए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, आप लोगों के आप लोगों ने रिक्वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, आप लोगों ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने बनाई है दोस्तों, दोस्तों बस मैं आपसे यही चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, वीडियो थोड़ी यार लंबी हो गई दोस्तों, बट देखिए मैं जानता हूं आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, टाइम का इशू है आप लोगों के पास, बट मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो मैं चाहता हूं बस आप एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, मेरा मकसद सिर्फ आपकी हेल्प करना है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके आप थोड़ा सा मोटिवेशन हमें और दे सकते हैं, कमेंट करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और सब्जेक्टों के लिए आपके लिए वीडियो लेके आ सकें, अगर आपको अगले समय अगले किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट करके बता दीजिए, ओके अभी मैं बना के रख लूँ, बाद में एग्ज़ाम आ जाएंगे मुश्किल हो जाएगी दोस्तों, प्रॉब्लम हो जाएगी, तब भी ट्राई करूँगा, ओके। तो 131 है नोटिस टू बी इन राइटिंग सिंह, पूछा जा सकता है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 132 इंपॉर्टेंट है आपका लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम, 132 आपका इंपॉर्टेंट है। 134 आप कर सकते हैं मॉर्गेज डेप्ट आप कर सकते हैं। 135 असाइनमेंट ऑफ राइट अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योर नहीं। 135 ए 136 देखिए मुझे और कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं लग रहे हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना बहुत है दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम जो भी सब्जेक्ट हैं आपके जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही बस आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए इस चैनल को खोले हैं दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ आपकी हेल्प करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सबसे एक चीज़ और दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, उसमें देखिए वीडियो कोई भी लाते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, वीडियो यूट्यूब पर आने में थोड़ा समय लग जाता है, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगी। ग्रुप भी ज्वाइन करिए चैनल भी ज्वाइन करिए, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ग्रुप में आप बात कर सकते हैं आपस में एंड जो हमारा चैनल है उस पर हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड कर रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई दोस्तों, 20 से 23 मिनट की वीडियो, एक्चुअली मैं बनाता नहीं हूँ जल्दी ताकि मैं आपकी समय की वैल्यू समझता हूँ, तो आज के लिए बस दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट मुझे दिया है दोस्तों, इसी सपोर्ट की दरकार मुझे इस वीडियो में भी रहेगी, तो फटाफट से यार वीडियो लाइक कर देना ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए, कमेंट करिए बताइए कैसी लगी वीडियो, तब तक दोस्तों टाटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।